इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला गया और सबके दिलों में ये चल रहा था कि विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे वो बोल्ड हो गए थे। कोहली के स्कोर की बात करें तो उन्होंने 7 बॉल्स खेली, 4 रन बनाए और सिर्फ एक चौका लगाया, तो एक तरह से बहुत खराब पारी थी ये। लेकिन गौतम गंभीर जो कि पहले के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जिसमें कहा है कि दैट वॉज अ नथिंग शॉट, नाइदर फॉरवर्ड नाइदर बैक, आई थिंक वॉज अ बिट कैजुअल, दैट्स वॉट यू गेट वेन यू प्ले समवन लाइक शाहीन अफरीदी, यू डोंट नो वेदर टू गो फॉरवर्ड और बैक। इसका मतलब ये है कि एक नथिंग शॉट था, ना विराट कोहली आगे की तरफ गए ना पीछे रहे, एक कैजुअल शॉट खेला, और ऐसा तब होता है जब आप शाहीन अफरीदी जैसे बड़े गेंदबाज के खिलाफ खेलते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि आपको पीछे जाके शॉट खेलना है या फिर आगे बढ़ के शॉट खेलना है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी की काफी तारीफ करी है, लेकिन विराट कोहली के शॉट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। हमने बहुत बार देखा कि विराट कोहली और गंभीर के बीच काफी लड़ाइयां हुई है जो कि बहुत अलग लेवल तक पहुंच गई थी, लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने बहुत पॉजिटिवली ये चीज बताई और विराट कोहली के बारे में टिप्पणी करी है जो कि हमें तो बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन आपका इस बात पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम ऐसी आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।